बीते दिन नबीनगर की एक छात्रा को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। आज क्षत्रिय जागृति मंच के अधिकारी पदाधिकारियों ने छात्रा के माता पिता से मिलकर संवेदना व्यक्त की एवं बिहार सरकार से मांग की कि हत्यारे को जल्द से जल्द चिन्हित कर कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करे, ताकि आगे कोई भी लोग इस तरह के घिनौना कार्य समाज में न करे। आज नबीनगर की घटना से छात्रों में दहशत का माहौल है। श्रेया को न्याय दिलाने के लिए कल हुसैनाबाद में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कैंडल मार्च जेपी चौक से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर गांधी चौक पहुंचेगा। मौके पर क्षत्रिय जागृति मंच के संस्थापक सह सचिव प्रेमतो सिंह, श्रीराम सिंह, मंगल प्रसाद सिंह, चंदन सिंह, प्रदीप सिंह, मुकेश सिंह, सीताराम सिंह, लल्लू सिंह, अजीत सिंह, राम प्रवेश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। श्रेया हत्याकांड जो नबीनगर के अभय सिंह की खैरा निवासी पुत्री थी, उसका निर्मम हत्या किया गया है, इसकी घोर निंदा करते हैं। और अभी हम लोग उनके परिजन से भी मिल करके आए हैं। बिहार के डीजीपी ने एक सप्ताह का समय लिया है हत्यारों को पकड़कर उचित कार्रवाई करने के लिए। आज तीसरा दिन है, कार्रवाई हो और श्रेया के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए, तो भी एक पिता को शांति मिलेगा। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कल संध्या 6 बजे जयप्रकाश चौक पहुंचे और संवेदना सभा में भाग लें। बहुत बहुत साधुवाद। 6 बजे से जयप्रकाश चौक पर एकत्रित होकर हम लोग शहर में कैंडल मार्च करेंगे। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, तमाम राजनीतिक वर्ग हो, सामाजिक वर्ग हो, जात वर्ग और सांप्रदाय से ऊपर उठकर, श्रेया सबकी बेटी थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। हत्यारा की कोई जात वर्ग सांप्रदाय नहीं होता। जो भी हत्यारा है उसको बिहार की सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। और रोहतास के जो एसपी हैं, रोहतास के जो पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, खासतौर से इंद्रपुरी के थाना प्रभारी हैं, उनका भी इस कांड में बहुत सक्रियता नहीं दिखी है, जिसके चलते यह जांच में विलंब हुआ।